हम देखते हैं कि गोहान पोक्यूटस से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ताकत को देखकर गोहान बहुत हैरान था। तभी पोक्यूटस कहता है, क्या बात है बच्चे, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मैं तुम्हें बहुत ही आराम से मारूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तभी पोक्यूटस गोहान को एक पंच देता है। गोहान उसे देख नहीं पाता और हैरान था कि ये इतना तेज कैसे है। तभी पोक्यूटस फिर उसके सामने आ जाता है और फिर से एक पंच करता है। गोहान इस पर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर पोक्यूटस हंसते हुए कहता है, ये सैयन तो बहुत ही कमजोर है। मैं जानता हूँ सैयन कीड़े की तरह होते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में सब सुना है। तुम सभी को अपने ताकत पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी मसल कर रख सकता हूँ, पर तुम्हारे साथ में मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। तभी पोक्यूटस फिर से गोहान पर अटैक कर देता है। गोहान को इस बार हमला और जोर का लगता है। इसके बाद गोहान कहता है, आखिर मैं इससे कैसे लड़ूं? मुझे इसे हराने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिर वेजिटा गोहान से कहता है, आखिर बात क्या है गोहान, क्या तुम सच में कैकरोट के बेटे हो? वो तो इतना कमजोर कभी नहीं था, और तुम तो अपने पिता के परछाई बनने के लायक भी नहीं हो। आखिर तुम खुद को एक सैयन कैसे कह सकते हो? तुम बहुत ही कमजोर सैयन हो, तुम अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं हो। मैं जानता हूँ कि तुमने सेल को हराया था, लेकिन उसके बाद तुम पूरे बदल गए हो। तुमने अपने पिता को हमेशा शर्मिंदा किया है, तुम कैकरोट के बेटे कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तभी गोहान कहता है, बस करो वेजिटा, मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं बस शांति चाहता हूँ। मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था और बस लड़ाई से दूर रहना चाहता था, ताकि मैं एक आम इंसान जैसा रह सकूँ, क्योंकि जंग से किसी का फायदा नहीं होता और सिर्फ मासूम लोग ही मरते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैंने बहुत से बेगुनाहों को मरते हुए देखा है, इसीलिए मैं लड़ाई से दूर रहता था। तभी वेजिटा कहता है, एक वॉरियर कभी भी जंग से दूर नहीं भागता है। तुम्हारे पिता के सामने चाहे जितनी भी मुसीबत आई, उसने सभी का मुकाबला हंस कर किया और अपनी जान भी गवा दी, लेकिन तुम सैयन के नाम पर एक धब्बा हो। फिर गोहान गुस्से में कहता है, वेजिटा अपनी बकवास बंद करो, मैं और नहीं सुन सकता। तभी पोक्यूटस कहता है, हे बच्चे, तुम मुझे भूल तो नहीं गए? इतना कह के पोक्यूटस गोहान पर हमला कर देता है। गोहान चोट खाकर नीचे गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि गोहान पोक्यूटस से पिटता जा रहा था और वो उसके हमले को भी नहीं रोक पा रहा था। इसके बाद बारडॉग गोहान से कहता है, गोहान अपने अंदर के ताकत को बाहर निकालो, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना ही होगा, खुद पर भरोसा करो गोहान। फिर ब्रॉली कहता है, मुझे लगता है हमें गोहान की मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो मारा जाएगा। फिर वेजिटा कहता है, नहीं ब्रॉली रुक जाओ, तुम ये नहीं करोगे, गोहान को ये खुद करना होगा, मुझे पता है उसके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन वो अपने आप को रोक रहा है। फिर ब्रॉली कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो वेजिटा, गोहान मारा जाएगा। तभी बारडॉग कहता है, गोहान एक नेक दिल सैयन है, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता जिससे किसी को भी नुकसान हो, उसे अपने ही ताकत से डर लगता है। मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ सैयन्स होते हैं जिनको अपने ताकत से दूसरों को नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं, लेकिन अगर कोई उनके अपनों को नुकसान पहुंचाए तो वो उसे खत्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, गोहान उन्हीं में से एक है। तभी ब्रॉली कहता है, अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वो गोहान को मार देगा। फिर वेजिटा कहता है, नहीं ब्रॉली, मैंने कहा ना ऐसा मत करो। फिर हम देखते हैं कि गोहान पोक्यूटस से लगातार मार खा रहा था। इसके बाद पोक्यूटस गोहान पर एक जोरदार हमला करता है। गोहान उसके हमले से संभल नहीं पाता और उसे बहुत जोर का चोट लगता है और गोहान नीचे गिर जाता है। गोहान का पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। फिर पोक्यूटस कहता है, लगता है अब तुम लड़ने की हालत में नहीं हो, मैं भी अब बोर हो चुका हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं होता तुम जैसा सैयन इतना कमजोर है, तुम तो मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। काश तुम्हारे सैयन जाति को मैंने खत्म किया होता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता, क्योंकि मैं सबको चुन चुन कर तड़पा तड़पा कर मारता। और फिर हम देखते हैं कि गोहान धीरे धीरे उठने लगता है और कहता है, बस अब बहुत हुआ, मैं कमजोर नहीं हूँ और तुमने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि गोहान अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और कहता है, तुम शैतान कहीं के, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सैयन की ताकत। फिर पोक्यूटस कहता है, वाह क्या बात है, ये बच्चा तो अब ताकतवर हो गया है, लगता है अब इस लड़ाई में और मजा आएगा, चलो बच्चे देखते हैं तुम अब और क्या क्या कर सकते हो। हम देखते हैं कि गोहान अचानक पोक्यूटस के सामने आ जाता है और उस पे एक बहुत जोरदार पंच से अटैक करता है, जिससे पोक्यूटस बहुत दूर जाकर गिरता है और वहाँ पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। फिर पोक्यूटस कहता है, ये तो बढ़िया है, मैं तो यही चाहता था कि तुम मुझ पर हमला करो, चलो अब मुझ पर और जोर लगाओ। फिर गोहान सोचता है, ये तो बिल्कुल पहले के जैसा कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बार इसे कोई भी मौका नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं कि गोहान पोक्यूटस पर ढेर सारे पंचेस और किक्स करता है। पोक्यूटस पागलों की तरह हंसते जा रहा था और कहता है, और जोर लगाओ बच्चे,
थोड़ा और जोर लगाओ, क्या तुम में बस इतना ही दम है? और ताकत दिखाओ। गुहान बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। पोक्यूटस उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, इतना काफी नहीं है बच्चे, मुझे तुम्हारी पूरी ताकत देखनी है। मैं जानता हूँ तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम किससे डर रहे हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथियों को भी खत्म कर दूं? गुहान गुस्सा होकर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें उससे पहले ही खत्म कर दूंगा। तभी गुहान एक पावरफुल की ब्लास्ट से उस पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं पोक्यूटस बहुत जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद पोक्यूटस कहता है, क्या बात है, तो लगता है अब इसने अपना ताकत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मानना पड़ेगा इस बच्चे में तो कुछ खास है जो कि इसे सभी से अलग करता है। कोई बात नहीं, मैं अब इस पर अपना हमला करूंगा। इतना कह के पोक्यूटस गुहान पर अटैक करने जाता है और उसे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन गुहान उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पोक्यूटस हैरान होकर कहता है, क्या, लेकिन कैसे, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? फिर पोक्यूटस गुहान पर ढेर सारे पंचेस करने लगता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर पोक्यूटस कहता है, ये तो काफी ताकतवर होता जा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे अब इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही स्मोक क्लियर होता है, गुहान उससे बाहर निकल कर आता है और कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पोक्यूटस बहुत हैरान था और कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? फिर गुहान कहता है, तुम जैसे शैतान को जीने का कोई हक नहीं है, अब तुम मरोगे। फिर गुहान अपने पावर्स बढ़ाने लगता है और फिर वो पोक्यूटस पर हमला करने के लिए प्रिपेयर करने लगता है। गुहान इस बार अपने ड्रैगन कैनन का यूज करता है। गुहान के हमले को पोक्यूटस रोक नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि पोक्यूटस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर गुहान बेहोश हो जाता है। बारडॉक कहता है, आखिरकार तुमने कर दिखाया गुहान। तभी वेजिटा कहता है, हाँ, तो यही था तुम्हारा डीमन, और तुम क्या कह रहे थे, साइंस कमजोर होते हैं, लेकिन देखो तो तुम्हारे उस भद्दी गुलाबी डीमन को गुहान ने खत्म कर दिया। फिर डेमिग्रा हंसते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो वैसे भी मरेगा ही। ऐसा कहने के बाद डेमिग्रा गुहान पर ब्लास्ट कर देता है, लेकिन तभी बारडॉक बीच में आकर ब्लास्ट को रोक लेता है और कहता है, डरपोक कहीं के, एक घायल पर हमला करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद बारडॉक डेमिग्रा पर की ब्लास्ट कर देता है। डेमिग्रा अपनी छड़ी को घुमाता है और बारडॉक और गुहान को गायब कर देता है। ये देखकर वेजिटा हैरान हो जाता है और कहता है, वो लोग कहाँ गए? बारडॉक, गुहान। ब्रॉली पूछता है, तुमने उनके साथ क्या किया डीमन? फिर वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डीमन। और ये कहकर वेजिटा डेमिग्रा पर की ब्लास्ट कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेमिग्रा वेजिटा को भी गायब कर देता है, जिससे सिर्फ ब्रॉली वहां पर अकेला हो जाता है। ब्रॉली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेमिग्रा पर हमला करने जाता है। डेमिग्रा ब्रॉली से कहता है, तो लगता है मुझे तुम्हें भी वहां पर भेज देना चाहिए, तो ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि डेमिग्रा ब्रॉली को भी वहां से गायब कर देता है। फिर डेमिग्रा कहता है, मैंने तुम सबको जहां पर भेजा है, तुम वहां से जिंदा बचकर नहीं आ सकते। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा एक अजीब जगह पर था जहां पर कोई नहीं था। तभी वेजिटा के सामने कोई आता है और कहता है, तो वो तुम हो जिसे मैं मारने वाला हूँ। वेजिटा हंसते हुए कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि ये कौन सी जगह है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। फिर वो आदमी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा, समझे? फिर वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हम बारडॉक को देखते हैं, वो भी एक अनजान जगह पर होता है। वो सोचता है, आखिर ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ कैसे आ गया? तभी बारडॉक को एक आवाज सुनाई देती है और वो आदमी सामने आकर कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। बारडॉक कहता है, मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना बेवजह मारे जाओगे। वो आदमी कहता है, ये तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगा कि आखिर यहाँ कौन बचने वाला है। दूसरी तरफ ब्रॉली भी एक अनजान जगह पर था। वो सोचता है, मैं यहाँ पर कैसे आया? फिर ब्रॉली के सामने कोई आता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्रॉली उसे देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? हम देखते हैं कि ब्रॉली के सामने ब्रॉली ही खड़ा था। ब्रॉली कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सच में ब्रॉली है, क्योंकि उसके पहनावा थोड़ा अलग था। ब्रॉली को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है और ये मेरे जैसा क्यों दिख रहा है। फिर हमें गुहान को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था और वो भी एक अनजान जगह पर था। फिर वो उठने की कोशिश करता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, कैसे हो गुहान, मैं फिर से आ गया। फिर हम देखते हैं डेमिग्रा को जो कहता है, मैंने
अलग अलग मल्टीवर्स के वॉरियर को तुम सभी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। देखो ये है महान डेमिग्रा की ताकत। अगर तुम वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें पहले उन्हें मारना होगा, वरना तुम सभी वहीं पर मर जाओगे। हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने हर्ट्स खड़ा होता है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम वेजिटा हो ना, किंग वेजिटा के बेटे। वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारी इन फालतू की बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ बकवास ही करते रहोगे या लड़ोगे भी। फिर हर्ट्स कहता है, वेजिटा चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द इस लड़ाई को खत्म कर दूंगा। इतना कह के हर्ट्स अपनी पावर बढ़ाने लगता है। फिर वेजिटा से कहता है, क्या हुआ वेजिटा, क्या तुम मेरे ताकत को महसूस नहीं कर पा रहे हो? वेजिटा हंसते हुए कहता है, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे इस फालतू से ट्रांसफॉर्मेशन से डर जाऊंगा? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे नहीं हरा पाओगे। फिर हर्ट्स कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह घमंडी हो। तुम सैयंस को खुद पर बहुत घमंड होता है। आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घमंड को भी खत्म कर दूंगा। फिर वेजिटा हर्ट से कहता है, तुम्हें पता है कि मैं प्रिंस वेजिटा हूँ, लेकिन मेरी ताकत के बारे में तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम मुझसे लड़ने की कोशिश करते हो तो तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत होगी। फिर हर्ट्स कहता है, तुम जितना भी कह लो वेजिटा, लेकिन तुम आज नहीं जीत सकते। और फिर हम देखते हैं कि हर्ट्स अपने पावर को और बढ़ाने लगता है। वेजिटा ये देखकर कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो इसके आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। और ये कहकर वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है और हर्ट्स और वेजिटा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर हमें बारडॉक का सीन दिखाया जाता है। बारडॉक के सामने एक बड़ा सैयन खड़ा था। बारडॉक कहता है, तुम एक सैयन हो, तुम इन लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? वो सैयन कुंबर था। वो बारडॉक से कहता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मरोगे। और इतना कह के वो बारडॉक पर अटैक कर देता है। बारडॉक उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन वो उसके अटैक से काफी पीछे हो जाता है। इसके बाद बारडॉक कहता है, ये कैसा सैयन है, मुझे इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है, इसमें कुछ तो अलग बात है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुंबर फिर चिल्लाने लगता है और बारडॉक पर की ब्लास्ट कर देता है। बारडॉक डॉज कर लेता है और फिर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि हम दोनों एक सैयन हैं, हम दोनों को मिलकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर कुंबर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर कुंबर अपने पावर्स बढ़ाने लगता है। बारडॉक उसे देखकर समझ जाता है कि वो अपने काबू में नहीं है, उसकी ताकत उस पर हावी हो रही है। कुंबर फिर उस पर की ब्लास्ट करता है, लेकिन बारडॉक उसे डॉज करके कुंबर पर एक जोरदार पंच करता है। और फिर बारडॉक सुपर सैयन में बदल जाता है। कुंबर कहता है, तुम भी सुपर सैयन में बदल सकते हो, ये तो अच्छी बात है, मुझे तुम्हें मारने में मजा आएगा। फिर बारडॉक कहता है, मेरा तुमसे लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं इससे भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ, समझे? कुंबर कहता है, तो फिर अपना पूरा जोर लगा दो। इतना कह के कुंबर भी सुपर सैयन में बदल जाता है और बारडॉक पर अटैक कर देता है। बारडॉक उसके अटैक को रोकता है और उसे ऐसा करता देख बारडॉक सुपर सैयन 3 में बदल जाता है और फिर की ब्लास्ट से अटैक करता है। लेकिन कुंबर बारडॉक के अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेता है और फिर कहता है, तुम भले ही सुपर सैयन 3 में बदल सकते हो, लेकिन तुम मेरी शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। फिर बारडॉक कहता है, मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अब तक नहीं किया है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। फिर कुंबर कहता है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम पर करूँगा। इतना कह के कुंबर बारडॉक पर जोरदार ब्लास्ट कर देता है और इस बार बारडॉक हिट हो जाता है, जिसकी वजह से बारडॉक बहुत दूर जाकर गिरता है और वो बहुत इंजर्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुंबर बारडॉक पर ढेर सारे ब्लास्ट लगातार किए जा रहा था, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। कुंबर को लगता है कि उसने बारडॉक को खत्म कर दिया, लेकिन धमाके के हटते ही बारडॉक सामने आ जाता है और कुंबर को एक जोरदार पंच करता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। फिर हमें ब्रॉली का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने ही हमशक्ल के सामने खड़ा था, और वो दूसरा ब्रॉली को बहुत ही देर से घूरे जा रहा होता है और फिर कहता है, क्या बात है, तुम भी एक सैयन हो, मुझे सैयन से बहुत नफरत है और मैं सभी सैयन्स को मार देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने सामने खड़ा नहीं देख सकता हूँ और आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। फिर वो दूसरा ब्रॉली की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, पर ब्रॉली उसके अटैक को रोक लेता है और उस पर रिवर्स अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरा ब्रॉली जमीन पर गिर जाता है। फिर ब्रॉली कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन अब मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूं और ना ही मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगा। तभी वो दूसरा ब्रॉली गुस्से में पागल होने लगता है और अपने पावर्स बढ़ाने लगता है
और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। फिर कहता है, मैं तुम सभी सैयंस को कीड़ों की तरह मसल कर रख दूंगा। मैंने अपने बीते कल में बहुत से सैयंस को मारा है, लेकिन वो कैकरोट बस वो ही मेरे हाथों से बच गया। लेकिन अब बहुत ही जल्द मैं उसे भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी। फिर ब्रॉली कहता है, लगता है ये दूसरे डायमेंशन का ब्रॉली है और ये अपने बारे में बता रहा है, लेकिन जो भी हो मेरे रहते ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली उस दूसरे ब्रॉली पर अटैक कर देता है, लेकिन उस ब्रॉली पर कुछ असर नहीं कर रहा था और वो उससे कहता है, मेरी ताकत के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। और इतना कह के वो ब्रॉली पर बहुत जोरदार पंच मारता है, फिर उस पे एक ताकतवर की ब्लास्ट से अटैक करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर वो दूसरा ब्रॉली हंसने लगता है और कहता है, कमजोर सैयन, मैंने तुमसे कहा था ना तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली अपने लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, अब होगी बराबरी की लड़ाई। वो दूसरा ब्रॉली कहता है, क्या बात है, तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल मेरे जैसी है, लेकिन तुम कुछ भी कर लो तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ब्रॉली आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो हर्ट्स के सामने खड़ा था और हर्ट्स जमीन पर पड़ा हुआ था। वेजिटा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब तुम मरोगे। फिर हर्ट्स कहता है, तो फिर तुम्हें रोका किसने है, मैं जानता हूँ मैं तुमसे नहीं जीत सकता और मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मानता हूँ। तुम मुझे मार सकते हो वेजिटा, मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं जानता था मैं मरने वाला हूँ। वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो, अगर तुम जानते थे तुम मुझे नहीं हरा पाओगे तो तुम मुझसे लड़ने क्यों आए। तभी हम देखते हैं कि डेमिग्रा हर्ट्स को देख रहा था और कहता है, बेवकूफ कहीं के, मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, लगता है तुम खुद ही मरना चाहते हो। और इतना कह के डेमिग्रा हर्ट्स को खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि हर्ट्स वेजिटा के सामने धूल बनने लगता है। वेजिटा ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे बताओ अगर तुम ये जानते थे कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो तो तुमने ऐसा क्यों किया। फिर हर्ट्स बताता है, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वेजिटा तुम एक अच्छे वॉरियर हो और तुम अपने लोगों को जरूर बचाओगे, मेरा वक्त आ गया है, अलविदा वेजिटा। फिर हम देखते हैं कि हर्ट्स वहां से गायब हो जाता है और फिर डेमिग्रा कहता है, ना समझ हर्ट्स, उसने अपनी मौत को खुद चुना, कितना बेवकूफ है ये। फिर हमें बारडॉक का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बारडॉक ने कुंबर को हरा दिया था और कुंबर जमीन पर पड़ा हुआ था। डेमिग्रा ये देखकर कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, कुंबर भी हार गया, लेकिन कैसे, मुझे अभी के लिए उसे कैद कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कुंबर वहां से गायब हो जाता है और बारडॉक ये देखकर कहता है, ये सब क्या हो रहा है, ये कहाँ चला गया। और फिर हम देखते हैं कि बारडॉक और वेजिटा उस जगह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन डेमिग्रा वहां पर नहीं था, वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। फिर वेजिटा कहता है, आखिर वो बेवकूफ कहाँ चला गया और गुहान और ब्रॉली कहाँ है। बारडॉक कहता है, मैं भी हैरान हूँ, गुहान और ब्रॉली मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, लगता है वो लोग अब भी लड़ाई कर रहे होंगे। तभी हम डेमिग्रा को देखते हैं जो कहता है, भले ही तुम वहां से बाहर आ गए हो, लेकिन। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें गुहान का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत घायल था और पोक्यूटस उसके सामने खड़ा होकर हंस रहा था और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना बच्चे, तुम मेरे ही हाथों मरोगे और अब तैयार हो जाओ अलविदा कहने के लिए।